हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदना ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं फिफ्थ स्टैंडर्ड का इंग्लिश का ग्रामर, होली फेथ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक 5। इस बुक का चैप्टर नंबर 25 का सेट 3। इसके पहले हमने सेट 2 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस मेरे नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर जरूर से देख लीजिएगा, ताकि आपका जो ग्रामर का कंसेप्ट है वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं सेट 3। फर्स्ट वन, री राइट द फॉलोइंग इन द नेगेटिव। जो ये सेंटेंस हमको दिए हैं, उस सेंटेंसेस को हमको क्या बनाना है? नेगेटिव बनाना है। तो फर्स्ट वन इज अ ब्रेव मैन लूजेस हार्ट। तो ये सेंटेंस हमारा किस में है? प्रेजेंट टेंस में। और उसमें हमारा सिंगुलर क्या है, वर्ब क्या है, सॉरी सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। तो जब सिंगुलर है तो हम क्या यूज करेंगे? डस। तो अ ब्रेव मैन डज नॉट लूज हार्ट। तो क्या आएगा आंसर? अ ब्रेव मैन, हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर है तो क्या आएगा? डज नॉट। अब यहाँ पे लूजेस है तो इसमें से एस हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि एस यहाँ पर डज में आ गया। तो अ ब्रेव मैन डज नॉट लूज हार्ट। नेक्स्ट इज अ जेंटलमैन लव्स एट अदर्स। अभी जेंटलमैन भी क्या है? सिंगुलर। तो क्या आएगा? डज। सो अ जेंटलमैन डज नॉट, अभी लाफ से आएगा कि लाफ आएगा? लाफ, ऐसे वो कैंसिल। तो लाफ एट अदर्स। नेक्स्ट, लायंस लिव ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। लायंस क्या है? ये प्लूरल। क्या है? प्लूरल। तो प्लूरल है तो क्या आएगा? डू। तो आंसर आएगा लायंस डू नॉट लिव ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट इज दिस बुक बिलोंग्स टू मी। दिस बुक, ये क्या है? सिंगुलर। तो अगेन क्या आएगा? डज। दिस बुक डज नॉट, ये बिलोंग्स का क्या हो जाएगा? बिलोंग, बिलोंग टू मी। मोस्ट ट्रेन्स रन ऑन टाइम। ट्रेन्स क्या है? प्लूरल। तो डू, मोस्ट ट्रेन्स डू नॉट रन ऑन टाइम। नाउ नेक्स्ट इज सप्लाई क्वेश्चंस टू विच द फॉलोइंग आर आंसर्स। यस वी रीच्ड देयर इन टाइम। तो क्या है? पास्ट टेंस, वी टू। वी टू है तो क्या होगा? डिड। क्वेश्चन क्या होगा? डिड वी, तो डिड यू रीच देयर इन टाइम, क्वेश्चन मार्क, इट्स इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट इज यस शी इनवाइटेड अस टू डिनर। इनवाइटेड क्या है? वी टू, पास्ट टेंस। तो डिड, डिड शी इनवाइट, डिड शी इनवाइट अस मीन्स यू टू डिनर, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट यस ही लाइक्ड माय आइडिया। अगेन लाइक्ड मीन्स वी टू, दैट इज पास्ट टेंस। सो डिड ही लाइक योर आइडिया, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट नो इट डिड नॉट रेन येस्टरडे। तो यहां पे तो ऑलरेडी हमारे पास में है वर्ब, तो क्या आएगा? डिड इट रेन, अब यहां से नॉट है वो क्या हो जाएगा? कैंसल। सो डिड इट रेन येस्टरडे, क्वेश्चन मार्क।
Now next is no. Misha did not help her friend. So did Misha help her friend? यहाँ पर भी no और not है, यहाँ का cancel. Next one, fill in the blanks with since or for. The shop has been open since 9 o'clock. It has been open -3 hours for 3 hours. My brother has been living here since 1988. Next is, I have been waiting for you for your letter -a month. It has been raining -last night. Now next is, put the following sentences into passive voice. बच्चों, अगर आपको पैसिव वॉइस अच्छी तरह से डिप में समझना है तो इसका वीडियो मैंने एक अलग से बनाया है, वो आप जाकर जरूर से देख लीजिएगा. उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो फर्स्ट है, शी इज पेंटिंग अ पिक्चर. तो क्या आएगा, अ पिक्चर इज बीइंग पेंटेड by her. Next, he was telling a secret. So a secret was being told by him. Next, I have received a parcel. A parcel have been received by me. Our team had played 2 matches by 6 p.m. So 2 matches had been played by our team by 6 p.m. Next, he will have sold the old books. So the old books will be sold by the old books will have been sold by him. Next is, make 12 sentences using the verb help. Each sentence should be in a different tense. बच्चों, हमने इसके पहले सेट वन और सेट टू में भी इसी तरह का किया है, जिसमें हमने अलग अलग वर्ड से 12 सेंटेंसेस बनाए हैं. तो इसमें हमें किससे बनाना है, हेल्प से. तो हम क्या बना रहे हैं, आई हेल्प माई ब्रदर. ये क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस. Then I helped my brother. ये क्या हुआ, past tense. Then I will help my brother. Then fourth one, I am helping my brother. ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. देन आई वॉज हेल्पिंग
माय ब्रदर, ये क्या है बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. देन नेक्स्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, आई शैल बी हेल्पिंग माय ब्रदर. देन नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव हेल्प्ड माय ब्रदर. देन आई हैड हेल्प्ड माय ब्रदर. देन आई शैल हैव हेल्प्ड माय ब्रदर. देन नेक्स्ट इज आई हैव बीन हेल्पिंग माय ब्रदर. देन नेक्स्ट आई हैड बीन हेल्पिंग माय ब्रदर. देन नेक्स्ट वन, आई शैल हैव बीन हेल्पिंग माय ब्रदर. सो बच्चों, इसी के साथ में हमने सेट थ्री है वो फिनिश कर लिया. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेट फोर के साथ. और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जाकर जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए. और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर से कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से करना. सो थैंक यू, कीप वॉचिंग वंदना ट्यूटोरियल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.